से कुछ देर पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण जो पोलैंड की सरजमी से दिया जा रहा था, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के दौरे पर हैं और यहीं से आगे यूक्रेन जाएंगे, लेकिन सीधा संदेश विदेशी धरती से दिया गया है कि भारत सबके साथ है, भारत से सब जुड़ना चाहते हैं। और ऐसे में क्या कुछ का आपको सुनवाते हैं। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। किसी भी संकट में मासूम लोगों की जान की हानि पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। इसके लिए भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आपको बता दें पोलैंड के दौरे पर हैं पीएम मोदी, यहीं से यूक्रेन जाएंगे। सीधा संदेश दिया है पूरे विश्व को कि भारत की पहचान विश्व बंधु के तौर पर बन चुकी है। पोलैंड दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां रह रहे भारतीयों को संबोधित करते हुए दुनिया को सीधा संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज के भारत की नीति सारे देशों से समान रूप से नजदीकी बनाने की है। आज का भारत सबके साथ है और सबके बारे में सोचता है। अब परिस्थितियां बदल रही हैं, आज के भारत की नीति सभी देशों से नजदीकियां रखने की है। आज का भारत सबसे जुड़ना चाहता है। आज दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में सम्मान दे रही है। आज के भारत की नीति है सारे देशों से समान रूप से नजदीकी बनाओ। आज का भारत सबसे जुड़ना चाहता है। आज का भारत सबके साथ है, सबके हित की सोचता है। भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का भारत अपनी विरासत पर गर्व करता है। भारत विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में भारतीय देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हर सेक्टर में भारतीय छाए हुए हैं। किसी देश पर संकट आए भारत मदद के लिए आगे रहता है। कोविड में भारत ने मानवता दर्शाई। कोविड में 150 से ज्यादा देशों को हमने दवाइयां भेजी। भारत के लिए मानवता सबसे पहले है। भारत दुनिया भर के नागरिकों की मदद करता है। भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है। भारत युद्ध नहीं शांति पर विश्वास करता है, इसीलिए भारत इस रीजन में भी स्थायी शांति का एक बड़ा पैरोकार है। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने देश की जनता को वादा किया है, मेरे तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर रहेगा। भारत अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण इस दशक के अंत तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। 100 साल की सबसे बड़ी आपदा आई तो भारत ने कहा ह्यूमैनिटी फर्स्ट। हमने दुनिया के 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां और वैक्सीन भेजी। भारत का एक ही मंत्र है ह्यूमैनिटी फर्स्ट। कहीं युद्ध हो तो भारत कहता है ह्यूमैनिटी। भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है। और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं शांति पर विश्वास करती है।
इतना ही नहीं, दो दिन के पोलैंड दौरे के बाद पीएम मोदी ट्रेन से यूक्रेन पहुंचेंगे। रूस के साथ युद्ध शुरू होने के बाद पीएम मोदी का ये पहला यूक्रेन दौरा होगा। यह दौरा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मॉस्को में उनकी मुलाकात के लगभग एक महीने बाद हो रहा है। ऐसे में ये दौरा इसलिए भी खास होगा क्योंकि मोदी पहले ऐसे वैश्विक नेता होंगे जिनके रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी दोस्ताना संबंध है। हालांकि 14 जून 2024 को पीएम मोदी और जेलेंस्की के बीच इटली में हुए G7 समिट में मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उम्मीद है कि दोनों नेताओं के बीच युद्ध समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अभी प्रधानमंत्री पोलैंड में हैं और जो यहाँ की ट्रेन है फोर्स वन, उसके जरिए रवाना होने वाले हैं यूक्रेन के लिए। 10 घंटे का सफर तय करके प्रधानमंत्री यूक्रेन पहुंचेंगे, जहाँ 7 घंटे ही वो रहने वाले और यहाँ जेलेंस्की से मुलाकात होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रेन से क्यों सफर कर रहे हैं, तो ये जानकारी आपको दे दें क्योंकि युद्ध चल रहा है, ऐसे में एयर स्पेस सुरक्षित नहीं है और यही वजह है कि ट्रेन के जरिए सफर करके प्रधानमंत्री यूक्रेन पहुंच रहे हैं। और फोर्स वन ट्रेन अपने आप में खास है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय प्रधानमंत्री इसमें सफर कर रहे हैं। ये वर्ल्ड क्लास लग्जरी ट्रेन है जो कनेक्टिविटी के लिए पोलैंड से यहां तक के लिए इस्तेमाल की जाती, पहले से क्रीमिया तक ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इसमें कई वर्ल्ड लीडर्स, जो बाइडेन की हम बात कर लें, हम इमैनुअल मैक्रों की बात कर लें, हम जर्मन चांसलर शॉल्स की बात कर लें, ये तमाम जो चेहरे हैं इस ट्रेन से सफर कर चुके हैं और फिर इस बार प्रधानमंत्री भी इस ट्रेन से सफर करने वाले हैं, जिसके जरिए पहुंचेंगे वो यूक्रेन और वहां पर मुलाकात होगी, शांति संदेश देंगे। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते, बात कोलकाता की करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कोलकाता की, जहां पर बीजेपी नेताओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। रूपा गांगुली इन तस्वीरों में आपको दिख जाएंगी। शुभेंदु अधिकारी, सबसे कुछ देर पहले हमारी सहयोगी ने बात भी की थी, लेकिन ये काफी लंबा प्रदर्शन है, सुनिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। खुनी ममता दफा एक दाबी एक छोईराचारी निपट जाक, छोईराचारी निपट जाक, खुनी ममता हाय हाय, धर्षक देर नेत्री के, धर्षक देर नेत्री के। टेने हिजड़े हिडिट करे एखानकार डीसी मिस्टर अनीश दास तुल्लो, ठीक आछे लड़ाई चलछे, आमरा पांच जन स्वास्थ्य भवने जेते चेयेछिलाम, ओनली फाइव, आमी सुकांत मजुमदार, दे आर नॉट अलाउड, टेने हिचड़े तुल्लो। तो